तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे, आज हम जाने वाले दिल्ली के झंडे वाले मंदिर। तो आपको वहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएंगे और मंदिर देखना क्या ही मज़ा आ जाएगा। ब्लॉग के एंड तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो गाइस, चलते हैं ब्लॉग की ओर। तो भाई हमें दिखी गाय, हमारे पास एक रोटी थी, हम सोचे खिला देते हैं इसको, फिर चलते हैं। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम झंडे वाले मंदिर। देख रहे हो कि क्या ही नज़ारा है, यहाँ की लाइटनिंग सबसे ज़्यादा तगड़ी है, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग कर रखी है सड़कों पर, मंदिरों पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग है। तो भाई ये है एंट्री गेट, यहाँ देख लो कितनी लाइटनिंग कर रखी है, यहाँ नाम भी लिखा हुआ है मंदिर का। यहाँ से होती है एंट्री, फिर उसके बाद जाते हैं हम मंदिर की ओर। तो भाई आ चुके हैं हम मंदिर के अंदर। तो यहाँ का नज़ारा देख लो क्या ही प्यारा है, कितनी सारी लाइटनिंग कर रखी है, इस लाइटनिंग के वजह से बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ का नज़ारा। तो भाई यहाँ मैंने बजाई घंटे और यहाँ देख लो कितनी सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग आए इतनी रात को, वो भी इतनी रात को इतनी सारी भीड़ है। देख लो दिन में कितनी भीड़ होती होगी यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक गायक थे जो कि गाना गा के सबका मनोरंजन कर रहे थे, भक्ति में लीन थे एकदम, बढ़िया आवाज़ में गा रहे थे, इनकी आवाज़ बहुत ही पसंद आई। मैं तो भाई इनको देखा कम से कम 15 मिनट तक खड़ा होकर सुना इनके गाने, क्या ही गा रहे थे ये। मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा डेकोरेशन पसंद आया, कितना सारा डेकोरेशन कर रखे हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लो यहाँ माता जी के, मैंने तो लाइव दर्शन कर लिए, आप लोग वीडियो में दर्शन कर लो, देख लो यहाँ के डेकोरेशन कितने अच्छे हो रखे हैं। तो भाई दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं बाहर की ओर। बाहर जाते वक्त का नज़ारा कुछ इस प्रकार का था, यहाँ पे भी बहुत सारी लाइटनिंग कर रखे थे, यहाँ बहुत ही प्यारा लग रहा था इनकी लाइटनिंग। तो भाई बाहर निकलने के बाद हमें लगी भूख, हमने भाई यहाँ बनाए आलू के चाट और हमने खाए मजे कर। तो भाई चाट खाने के बाद हमें लगी नींद और हमने नींद भगाने के लिए पी चाय। तो भाई चाय पीने के बाद हमने निकाली गाड़ी और चल दिए हम घर की ओर। बहुत अंधेरा हो चुका था तो हम सोचे जल्दी चलते हैं। तो भाई हमारे भैया इतने बड़े राइडर थे कि उन्होंने ब्रेकर को नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी ही कुदा दी, हम भाई गिरते गिरते बच गए। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं भाई, चलो भाई सो जाओ सब लोग, बाय बाय।